वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। इट्स मी सईदा शमसा शाह एंड यू वॉचिंग माई YouTube चैनल। और शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं लाज़ानिया कैसे बनाती हूँ, कीमे वाला लाज़ानिया। और हम बनाएंगे आज लाज़ानिया और इसकी एक बेहतरीन सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसके लिए आपको व्लॉग एंड तक देखना है, एंड जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड वीडियो को लाइक कर दे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। यहाँ पे देखिए जी, बर्फ पड़ी हुई है, स्नो फॉलिंग हो रही है और अभी तो काफी हद तक खत्म हो गई है। आपको बाहर जाके दिखाती हूँ। एक्चुअली मैं ये मैंने बिन जो है ना नई ली थी और मैंने बाहर रख दी, एक अंदर होती है और एक बाहर, और इसके ऊपर भी बर्फ। और ये हमारा स्विंग है, हमारी स्विंग है और ये भी, इसके ऊपर भी बर्फ हुई हुई है। और ये हमारा वो है बारबेक्यू ग्रिल। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि अगर बिन ले ही ली थी तो शो ही मारने की क्या ज़रूरत थी। कुछ मुझे ना कमेंट्स ऐसे भी आते हैं, तो मैं तो फिर जाहिर सी बात है अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करती हूँ। ये देखें स्नो है, इस पर हम लिख देते हैं स्नो। इसे अच्छा लगता है ना कुछ हम लिख दें। ओह माय गॉड, यहाँ पे देखें ये कितने मजे का ये बना हुआ है, ये फूल बना हुआ है। ओह माय गॉड, देखिए स्नो का फूल बना हुआ है। मेरी चेयर्स हैं और यहाँ पे ना ऐसे स्नो, ये कैसे हो सकता है। ये देखिए कितना अच्छा स्टार बना हुआ है ये। ओह माय गॉड, कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। स्नो देखने में बहुत अच्छी लगती है लेकिन जो है ना थोड़ा ड्राइव करना एंड वॉक करना, बाहर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और अभी 2 बजे बज रहे हैं और अभी तो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया, अभी हो नहीं रही। पहले हो रही थी ना, स्नो फॉलिंग हो रही थी, इसे मैं बाहर आके आपको दिखा नहीं सकी। तो अभी थोड़ी सी रुकी तो मैंने कहा कि मैं जो है अपने लोगों को दिखा दूँ। और ये देखिए मेरी जो है ना लाल टेंट टूट गई, ये वो वाली है सोलर वाली है और ये टूट गई है अभी। और अभी हम चलते हैं अंदर। और बस आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे रेडी करके पहले से रखी हुई है, और लाज़ानिया मैं 2 मिनटों में बना लेती हूँ, बहुत जल्दी बन जाती है। और इसके लिए जो सारी चीज़ें चाहिए वो मैंने सारी रखी है। और कीमा जो है फ्रोज़न वाला था इसलिए मैंने इसको पहले से ही बाहर निकाल लिया था। और मैं कीमे को सबसे पहले बॉयल कर लेती हूँ क्योंकि उसकी जो थोड़ी सी स्मेल होती है ना वो मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा, ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। और वो जो पानी होता फिर मैं गिरा देती हूँ। ये देखें यहाँ पे देखें कीमा थोड़ा सा, थोड़ी देर में बस मैंने बॉयल किया है और इसका पानी जो है मैंने वो ड्रेन कर दिया है इसको। और अभी जो है इसको, इसका मसाला बनाते हैं। इसके लिए मैंने लिया है ऑयल एक पैन में, और 2 अदद जो है मीडियम साइज़ की प्याज, उसको मैंने चॉप कर लिया ऐसे, और इसको मैं कर लूँगी थोड़ा सा फ्राई। बस इतना ही, हमने प्याज को ब्राउन किया है, बहुत ज़्यादा भी नहीं किया। और इसमें जो कीमा हमने बॉईल किया हुआ था वो डाल देंगे और इसको थोड़ा सा हम करेंगे फ्राई। और इसके बाद मैं स्पाइसेस वगैरह इसमें ऐड कर दूंगी। एक्चुअली मैं जो लाज़ानिया की शीट्स इस्तेमाल कर रही हूँ उनको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं होती, वो पहले से ही रेडी होती हैं, तो मैं वो वाली यूज़ कर रही हूँ। अगर आप के पास दूसरी हैं तो आप बॉयल कर लें। तो अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड कर दूँगी इस मसाले में। मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाला है, और जो स्पाइसेस इसमें ऐड करूँगी उसमें चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, सॉल्ट है एंड ओरिगानो, और मैं इसमें थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड कर दूँगी।
और इसके बाद मैं इसमें 2 अदद बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर दूंगी और इस मसाले को हम थोड़ा सा भुनेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं भुना क्योंकि कीमा तो हाफ कुक्ड है, तो इसलिए बस थोड़ा सा ही भुनना है। और इसके बाद मैं इसमें तो बस अब इसमें मैं ग्रीन चिली ऐड करूँगी, आप चाहें तो वेजेस भी ऐड कर सकते हैं ताकि अच्छा सा कलर आए, लेकिन मैं ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ। जो मेरी ग्रीन चिलीज होती हैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा ही इसमें डाल रही हूँ। और इसको बस थोड़ा सा फ्राई करना होता, बहुत ज़्यादा भुनना नहीं होता। और इसके बाद मैं इसमें टमाटो पेस्ट ऐड कर दूँगी और जितनी आपको ज़रूरत है आप उतनी डालें, मुझे पहले मैंने डाली मुझे थोड़ी सी कम लगी फिर मैंने और डाली है इसमें। और अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो आप टमाटर की प्यूरी बना के डाल सकते हैं या फिर टमाटो चॉप किए हुए थोड़े से ज़्यादा डाल सकते हैं ताकि अच्छा सा ना थोड़ा रेड सा कलर आए, या फिर कश्मीरी मिर्चें डाल लें उससे भी अच्छा कलर आ जाता है। तो बस इसको थोड़ा सा ही भुनना है, ज़्यादा नहीं क्योंकि कीमा तो हाफ कुक्ड है। और थोड़ा सा बस भुनने के बाद मैं इसमें क्रीम ऐड कर दूंगी क्योंकि क्रीम डालने से जो है ना बहुत अच्छा सा टेक्सचर हो जाता है और मसाला बहुत मज़े का भून के तैयार हो जाता है। तो देखा आपने कितनी जल्दी से ये मसाला तैयार हो गया है। और बस मैं इसके बाद वाइट सॉस है वो तैयार कर लूँगी, तो अभी हम करते हैं वाइट सॉस तैयार इसके लिए। यहाँ पे बन रही है जी वाइट सॉस, उसके लिए मैंने ले लिया है बटर एक पैन में, और बटर मैं थोड़ा सा ज़्यादा ले लेती हूँ। इससे क्या होता है, इससे जो हमारी वाइट सॉस बनती है वो बहुत ही अच्छी बन जाती है। तो बस इसके बाद मैं इसमें मैदा ऐड कर दूँगी बटर में, और मैदा मैंने लिया है 3 टेबल स्पून क्योंकि मैं थोड़ी सी ज़्यादा बना रही हूँ। और इसको थोड़ा सा भून लेंगे और जल्दी से भूनते हैं ताकि नीचे ना लग जाए और हमारा जो मैदा है वह जल ना जाए। और साथ ही जो कीमे का मटेरियल है लाज़ानिया के लिए, जो कीमा हमने बनाया है उसको मैंने लिड लगा के रख दिया है और स्टोव की जो आंच है वो बिल्कुल हल्की कर दिया ताकि ये पकता भी रहे और गर्म भी रहे। इतनी देर में मैं सॉस बना लूँगी और सॉस जो है तकरीबन ही देखें तैयार हो गई है। इसमें बस अब हम मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क डालने के बाद आपको फ़ौरन से जो है इसको मैश करना होता है ताकि इसमें लम्स ना बने। और मैं थोड़ा सा मिल्क डालती हूँ और इसके बाद मैं क्रीम ऐड करती हूँ। क्रीम से क्या होता है, बहुत क्रीमी यह सॉस बनती है। और जो मैं स्पाइसेस इसमें ऐड करती हूँ वो है नमक, काली मिर्च और ओरिगानो, और मैं थोड़ी सी शुगर भी ऐड करती हूँ, उससे ना थोड़ा सा एक मीठा मीठा सॉस वाला टेस्ट आता है तो बड़ी मज़े की बनती है। नॉर्मली मैं चीज़ भी इसमें ऐड करती हूँ अगर मैं पास्ता के लिए बना रही हूँ या फिर फ्राइज़ के लिए, जो स्टफ्ड फ्राइज़ होते हैं उनके लिए बना रही हूँ तो मैं इसमें चीज़ ऐड करती हूँ, लेकिन आज मैं नहीं कर रही क्योंकि इसके ऊपर चीज़ जाएगी तो इसलिए मैं इसमें चीज़ नहीं ऐड कर रही। तो बस यहाँ पे हमारी वाइट सॉस भी बन के तैयार हो गई है और अब एक और चीज़ है जो मैं इसके लिए तैयार करूँगी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने एक और पैन ले लिया है क्योंकि मैं एक और सॉस बना रही हूँ, वो मैं आपको बताती हूँ कि क्यों बना रही हूँ। यहाँ पे जो हमारी टमाटो पेस्ट बची थी वो हमने इस सॉस इस पैन में डाली है और इसमें मैं थोड़ा सा वाटर ऐड करूँगी और इसके बाद जो है थोड़े से स्पाइसेस इसमें जाएंगे, जिसमें है नमक, ब्लैक पेपर है, एंड चिली फ्लेक्स है, अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल लें, थोड़ा सा चख लें कि कितना आपको चाहिए तो बस इतना डाल लें। ये किस लिए बना रही हूँ, ये इसलिए बना रही हूँ कि जो हम कुक्ड लेते हैं लाज़ानिया शीट्स, तो ये उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप ये टमाटो पेस्ट पतली सी करके इसके ऊपर डालें ताकि ये सही पक जाए। लेकिन अगर आप कर रहे हैं खुद उबाल रहे हैं तो फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर आप बिल्कुल ये स्किप कर दें। तो बस वो भी जल्दी से बन गई है सॉस और तैयार हो गई है। यहाँ पे हम लेयरिंग कर लेंगे और मैंने वही जो शीट्स हमारी कुक्ड शीट्स हैं वो मैंने नीचे रखी हैं सबसे पहले, और यहाँ कीमे का जो मटेरियल है ये मैं ऊपर रखूँगी और
इसके ऊपर मैं चीज़ स्प्रेड कर दूंगी और इसी तरह मैं अगेन से एक लेयर बना लूंगी इसकी। तो बस यहाँ पे देखिए जी, लाज़ानिया की दो लेयर्स बन गई हैं और लास्ट में मैं फिर लाज़ानिया शीट्स ऊपर सारी रख दूँगी और इसके बाद मैं इसके ऊपर जो हमारी जो सॉस है, टमाटो पेस्ट की सॉस है, वो इसके ऊपर डाल देंगे। और अगेन से बताऊंगी, अगर आप जो है कुक्ड कर रहे हैं, खुद ही उबाल रहे हैं लाज़ानिया शीट्स, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इस पर जस्ट वाइट सॉस डाल दें और चीज़ डाल के इसको बेक कर लें, क्योंकि मैंने कुक्ड ली हैं तो मुझे इसकी ज़रूरत है, इसलिए ये मैं डाल रही हूँ। तो बस ये बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है, तो ये डाल दिया और इसके ऊपर जो है मैं वाइट सॉस ऐड कर दूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए जी, वाइट सॉस भी मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर दी है और लास्ट में मैं इसके ऊपर डालूंगी चीज़ जो हमारी बाकी बच गई थी, वो सारी की सारी मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। और अब इसको हम बेक करेंगे फॉइल लगा के। फॉइल लगाने से ये होता है कि पहले आपकी लाज़ानिया पक जाती है और फिर उसके बाद उसको उतार दें और फिर ऊपर प्यारा सा कलर आ जाता है। तो मैं इसको बेक करूँगी 180 डिग्री पे और आधे घंटे के लिए मैं फॉइल लगा के, और फिर आधा जो घंटा है वो मैं फॉइल उतार के ताकि अच्छा सा कलर आ जाए, तो ऐसे बेक करूँगी। और अभी इसके बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ इसके। तो यहाँ पे देखिए जी, एक घंटे बाद हमारा लाज़ानिया कितना बेहतरीन, मज़ेदार, क्रीमी, जूसी बन के तैयार हो गया और धुआं निकल रहा है, इतना गर्म है। तो मैंने इसको दो चार मिनट के लिए छोड़ दिया है ताकि जो चीज़ है, जो ऊपर क्रीम है, सॉस है, वो स्टेबल हो जाए और इसके बाद हम इसको डिश आउट करें। तो यहाँ पे देखिए जी, फाइनल इसकी लुक कितना यम्मी, कितना मज़ेदार लग रहा है। आई होप कि आपने मेरे साथ ये रेसिपी इंजॉय की होगी और अभी हम इसको खाएंगे और आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।